आपने कभी ये फिश देखी है? पर ये फिश जैसी तो नहीं लग रही है। हाँ, ये तो एक पैरेट जैसा ही लग रहा है। बेल, आप दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये एक पैरेट फिश है। पैरेट फिश? ये क्या होता है? ये एक ऐसी फिश है जो हम ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ओशंस के अंदर रह के भी ये फिश लैंड पे रहने वाले क्रीचर्स को फैसिलिटेट करती हैं। एक फिश कैसे ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? क्या बकवास है ये? अगर आपको भी लग रहा है कि मैं कोई बकवास कर रहा हूँ, तो अगले 3 मिनट में आपको मुझ पे विश्वास हो जाएगा। हम अर्थ पे कई लाखों साल से सक्सेसफुली सर्वाइव कर रहे हैं, और इसका रीजन है अर्थ का परफेक्ट टेम्परेचर। अगर अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा भी ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा हो जाए, तो हमारे लिए सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में तो सन हमें वार्म रखता है, पर रात को जब सन नहीं होता तो टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है? तो ये पैरेट फिशेस टेम्परेचर को मेंटेन करती है? वेल, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव रिंग की तरह प्रेजेंट होती हैं, और ये सन की रेस को ट्रैप कर लेती हैं और रात में अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग फेस करना पड़ रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें पैरेट फिश कहाँ आता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। नेचर ने हमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज दिए हैं, और कई तरह के एनिमल्स भी दिए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है? ये तो पैरेट फिश ही होगी, तभी आप इतना बता रहे हो। एक्चुअली सबसे ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करते हैं हमारे ओशंस। रिसर्चर्स के हिसाब से ओशंस हमारे प्लेनेट का अराउंड 50% CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। ओशंस में कई तरह की फिशेस जैसे व्हेल्स या शार्क्स, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं, और ओशंस में सबसे ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करने वाले क्रीचर में से एक है पैरेट फिश। नहीं नहीं, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स हमारे प्लेनेट के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कोरल रीफ्स सिर्फ ओशन के 1% पार्ट को कवर करते हैं, लेकिन ये 25% ऑफ मरीन एनिमल्स के लिए उनका घर है। विच मींस अगर कोरल रीफ्स नहीं होंगे तो मोस्ट ऑफ द मरीन क्रीचर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। अरे पर पैरेट फिश कहाँ है? ये फिल्म तो उनके बारे में थी ना? राइट, पैरेट फिश इन्हीं कोरल्स को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। कैसे? एक्चुअली सीवीड नाम का एक प्लांट होता है जो एग्जैक्टली वहीं ग्रो करता है जहाँ पे कोरल्स होते हैं, और अगर सीवीड ओशंस में बहुत ज्यादा हो जाएं, तो ये कोरल्स को पूरी तरह से साफ कर सकती हैं, और पैरेट फिश इन्हीं सीवीड को खाती हैं। वैसे तो ऐसे और भी क्रीचर हैं जो सीवीड को खाते हैं, पर पैरेट फिश ये काम ज्यादा अच्छे से कर पाती हैं, क्योंकि इनका पीक काफी यूनिक होता है। पैरेट फिश के पीक वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ में से एक है। तो जब पैरेट फिश सीवीड खाती हैं, तो ये जड़ से सीवीड को उखाड़ देती हैं, और जब सीवीड पूरी तरह से किसी रॉक से हट जाता है, तो उस पे कोरल्स वापस उग पाते हैं। इतना ही नहीं, पैरेट फिश सिर्फ फास्ट ग्रोइंग कोरल्स ही खाती हैं। जो कोरल्स स्लो ग्रो करती हैं, वो उन कोरल्स को नहीं खाती, और इसीलिए हमारे और बाकी क्रीचर्स के लिए ये फिश बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें तो ये फिश इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी। ऐसे तो हर क्रीचर ही इम्पोर्टेंट है। ट्रू, हर क्रीचर ही इम्पोर्टेंट है, पर अगर पैरेट फिश नहीं होंगी तो सीवीड कोरल्स को खत्म कर देंगे, फिर कोरल्स नहीं होंगे तो 25% ऑफ मरीन स्पीशीज के पास घर नहीं होगा। ओशन सबसे ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारा प्लेनेट और वार्म हो जाएगा, और फिर हम ह्यूमंस भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वाओ सर, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो अब सोचो और इस बारे में और लोगों को बताओ, सो दैट पैरेट फिश के बारे में और लोगों को भी पता चले, और इसको हंट करने से पहले लोग 100 बार सोचें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे।